बच रहे हैं, अदरवाइज आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। आपको पता है मैथ्स दो भागों में बटा हुआ होता है, एक तरफ हम कह सकते हैं कि एक तरफ हमारा अरिथमेटिक हो गया और दूसरी तरफ हमारा एडवांस मैथ्स हो गया। तो आपको अरिथमेटिक पूरा पढ़ना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात इंग्लिश में लिखा है, मैं इनको हिंदी में बोलते जाता हूं, दोनों प्रकार की भाषाएं अपनी कवर हो जाएंगी। तो आपका अनुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय कार्य, मिश्र अनुपात, नल टंकी, समय दूरी, ट्रेन, आयु, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सर्ज इंडाइसेस, घातांकनी, डीआई ग्राफ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, सिंप्लीफिकेशन, प्रायिकता, क्रमचय, संचय, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, वोट एंड स्ट्रीम, मेंसुरेशन, मिक्सचर इलिगेशन, पॉलिनोमियल्स। अब आप बोलोगे सर ये पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है बहुपद, है ना, मिश्रण, क्षेत्रमिति, 2D, 3D, नाव धारा, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। पार्टनरशिप मतलब साझेदारी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब निर्देशांक ज्यामिति, औसत, सांख्यिकी, और आखिरी में बेसिक कैलकुलेशन, दशमलव, भिन्न, ये सारी बातें आपको सीखनी पड़ेंगी। अगर पटवारी का पेपर पिछले साल जैसा होता तो इसमें कई पिछले साल मतलब पिछला पेपर जैसा, है ना, पिछला साल शब्द ही गलत है यहाँ पे, तो यहाँ पे कई सारे चैप्टर्स हट जाते हैं। लेकिन सब ग्रुप ग्रुप टू सब ग्रुप फोर के अंदर ये वैकेंसी चली गई है, तो आपको हर चीज पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ और ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको यहाँ चैप्टर में लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वो भी हम आपको पढ़ाएंगे, है ना। तो सांख्यिकी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब एक चीज ये है कि आपको देखो डरना नहीं है, है ना, नहीं तो कई लोग घबराएंगे, कई लोग कहेंगे सर आप तो इनमें से कुछ खास चीजें बता दो क्या पढ़ना है। कि मैथ्स का शुभारंभ करना है तो दो चैप्टर को हमेशा सबसे पहले पढ़ो, पहला है अनुपात और समानुपात और दूसरा प्रतिशत, ठीक है। अगर मैथ्स की मैं कहूं, पहले मैंने मैथ्स की आत्मा कहा करता था, लेकिन बातों बातों में मैंने इन्हें एक नया नाम दिया है और वो है मैथ्स के माता पिता, ठीक है, मदर फादर ऑफ मैथ्स, तो वो है अनुपात और प्रतिशत। अगर आप अनुपात और प्रतिशत को सबसे पहले सीख लेते हो, सबसे पहले शुरुआत यहीं से करनी है, तो लाभ हानि, साधारण ब्याज, ये जितने चैप्टर्स हैं ये सब इन्हीं के बच्चे हैं, ठीक है। और कोई बच्चा है? यहां है, ठीक है। ये जितने चैप्टर्स पे मैंने टिक लगाया है ये सारे किसके बच्चे हैं? ये सब अनुपात और प्रतिशत के बच्चे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कहां से करोगे आप? सबसे पहले शुरुआत करोगे प्रतिशत और अनुपात से, ठीक है भैया, ये बात समझ में आ गई। और आपको पहले इन्हीं चैप्टर्स पे काम करना है। अब इनमें भी क्या होता है, ग्रुप्स होते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं, आपने प्रतिशत अनुपात सीख लिया तो लाभ हानि बन जाएगा, फिर साधारण ब्याज, पहले साधारण ब्याज पढ़ो फिर चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ो, ये एक ग्रुप हो जाता है। फिर जैसे समय कार्य, चेन रूल, नल टंकी, ये एक हो जाता है। इसके बाद समय दूरी, ट्रेन और नाव धारा, ये तीनों एक ग्रुप हो जाते हैं। तो आपको ऐसे ग्रुप वाइज पढ़ना पड़ेगा, है ना, एक एक का एक दूसरे से जो कनेक्टेड है उन चीजों को आपको पहले काम करना पड़ेगा, ठीक है जी। चलो इसके बाद बारी आती है नंबर सिस्टम की, और नंबर सिस्टम में कोई मदर फादर नहीं है, बस बहुत सारे बच्चे हैं, किसी का जनरली किसी से कनेक्शन नहीं है। एलजेब्रा की अपनी अलग दुनिया है, ट्रिग्नोमेट्री अलग है, हाँ हम बोल सकते हैं कि ज्योमेट्री और मेंसुरेशन जरूर भाई भाई हो सकते हैं, नंबर सिस्टम अपना अलग खेल खेलेगा, एलसीएम अलग खेलेगा, तो ये सब अलग है। अगर मैथ्स को पहले शुरू करना है तो अरिथमेटिक से करिए, उसके बाद एडवांस में हर चैप्टर का अपना अलग अलग रूल है, अपना अलग अलग सिस्टम है, उसको आपको फिर अलग तरीके से बाद में देखना पड़ेगा, है ना।